खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन के सामने, नवगछिया। नमस्कार, मैं हूं निधि झा और आप देख रहे हैं GS न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं बिहार के 10 फटाफट बड़ी खबरों के साथ। भारतीय जनता पार्टी ने भागलपुर में संतोष कुमार को बनाया नया कार्यकारी अध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी ने संतोष कुमार को भागलपुर जिला का कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किया। भाजपा जिला अध्यक्ष रोहित पांडे के भागलपुर विधानसभा से प्रत्याशी बन जाने के बाद यहां काफी दिनों से नए कार्यकारी अध्यक्ष के मनोने पर चर्चा हो रही थी। इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने प्रदेश मुख्यालय प्रभारी सुरेश रुंगटा के पत्र में जारी कराया। प्रदेश से जारी पत्र में कहा गया कि संतोष के कार्यकारी अध्यक्ष बनने से संगठन को एक और मजबूती मिलेगी। तेजस्वी का बड़ा ऐलान, CM बनने के बाद हसनपुर को बनाऊंगा जिला। हसनपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि वह अगर CM बने तो हसनपुर को जिला बनाएंगे। उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव विकास लेकर काम करते हैं। महुआ में मेडिकल कॉलेज बनवाया है, हसनपुर की सड़कें खराब है, लेकिन जीतने के बाद तेज प्रताप बनवाएंगे सड़क। यही नहीं, तेजस्वी ने कहा कि मेरी सरकार बनी तो हसनपुर को जिला भी बनाया जाएगा। तेजस्वी बोले, भाजपा की भौजाई है महंगाई, पहले बताते थे डायन। बिहार विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री सह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बेगूसराय के चांदपुरा उच्च विद्यालय में चुनावी सभा को संबोधित किया। तेजस्वी यादव ने बेगूसराय सदर विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन की उम्मीदवार और कांग्रेस नेत्री अमिता भूषण को वोट देने की अपील की। साथ ही उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा की भौजाई है महंगाई, पहले बताया जाता था उसे डर। जिसके लिए चुनाव प्रचार करने गए उनका नाम ही भूल बैठे तेजस्वी यादव, भीड़ ने सही नाम बताया। RJD नेता तेजस्वी प्रसाद यादव आज उस उम्मीदवार का नाम ही भूल बैठे जिनके लिए वे चुनावी सभा को संबोधित करने गए थे। तेजस्वी यादव चुनावी सभा में कई दफे उम्मीदवार का गलत नाम बोल गए। बाद में भीड़ ने उन्हें याद दिलाया कि उम्मीदवार का सही नाम क्या है। बिहार में फिर मिले कोरोना के 1018 नए मरीज। राज्य में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 215,964। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 1018 लोग कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 215,964 हो गई है। बिहार में फिलहाल 9,502 कोरोना के एक्टिव मरीज पाए गए। JP नड्डा ने तेजस्वी पर बोला हमला, कहा CM रहे अपने माता पिता का चेहरा पोस्टर से हटाया, जनता से मांगे माफी। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने लालू परिवार पर हमला बोला। साथ ही उन्होंने कहा कि तेजस्वी के पिता लालू प्रसाद यादव तेल पिलावन रैली करते थे और लाठी भंजावते थे, अगर इस तरह की फिर सरकार बनेगी तो बिहार को कहां ले जाएंगे, क्योंकि जंगल राज में लोग देख चुके हैं। बिहार में 2 उप निर्वाचन पदाधिकारी का तबादला, सरकार ने जारी की अधिसूचना। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद दूसरे और तीसरे चरण के मतदान को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग तैयारी में जुट गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां बिहार सरकार ने 2 उप निर्वाचन पदाधिकारी का तबादला कर दिया है।
सीएम नीतीश कुमार ने लालू परिवार पर तंज कसते हुए कहा, खुद जेल जाने पर पत्नी को कुर्सी पर बिठा दिया, उनके लिए यही महिला सशक्तिकरण था। सीएम नीतीश ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में महिलाओं और पिछड़े वर्ग को लोगों को उनका हक मैंने दिया, अब कुछ लोग गुमराह करने आ रहे हैं, ऐसे गुमराह करने वाले लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। खुद जेल जाने पर पत्नी को गद्दी पर बिठा देना ही उनके लिए महिला सशक्तिकरण था। बड़े भाई को जिताने दूसरी बार हसनपुर पहुंचे तेजस्वी। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान को लेकर सभी नेता मैदान में उतरे हैं। इसी कड़ी के तहत आज दूसरी बार तेज प्रताप यादव के विधानसभा क्षेत्र हसनपुर पहुंचे तेजस्वी और लोगों को संबोधित किया। दूसरी बार जनता को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव के समर्थन में वोट मांगने की अपील की। बिहार के 16 डीईओ की पकड़ी गई गड़बड़ी, रोक के बाद भी शिक्षकों का किया गया था वेतन भुगतान। बिहार सरकार ने 16 जिला शिक्षा पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा है। इन अधिकारियों पर आरोप है कि शिक्षा विभाग की रोक के बाद भी शिक्षकों का वेतन भुगतान किया गया। शिक्षा विभाग ने इसमें 16 डीईओ को जिम्मेदार माना है, जिन्होंने रोक के बाद भी भुगतान कर दिया था। चिराग का नीतीश पर हमला, महिषासुरी सरकार में मां दुर्गा के भक्तों पर चलाई गोलियां। नौगछिया में लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार के भागलपुर और नौगछिया में जनसभाओं को संबोधित करते हुए मुंगेर में मूर्ति विसर्जन के दौरान लाठीचार्ज और फायरिंग को लेकर नीतीश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह महिषासुरी सरकार है जो मां दुर्गा के भक्तों पर गोलियां चलवाती है। माता के भक्त ये नहीं भूलेंगे, 10 नवम्बर को परिणाम सामने होगा।